जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार की तरह इस दफ़ा भी हमारा बहुत ही यूनिक टॉपिक है जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। गाइज हमारा आज का टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट मल्टीप्लेयर एनिमल गेम्स वेयर यू कैन फाइट योर एनिमीज। गाइज बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत ही कमाल की गेम्स मिली हैं जो कि मैं आपको दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बिना उसको जाए कि इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट गेम का नाम है अनाइमली। जी हाँ गाइज, बहुत ही कमाल की मल्टीप्लेयर मोड के साथ ये वाली गेम आपको प्रोवाइड करवा रही है 1v1 मैच, जिसके अंदर आप गाइज लाइन के साथ, बियर के साथ, डक के साथ, बहुत ही सारे और भी एनिमल्स हैं। तकरीबन हर एक एनिमल है इसके अंदर जिसके साथ आप फाइट कर सकेंगे अपने ओपोनेंट के साथ। गाइज मजे की बात यह है कि आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेयर मोड के ऊपर खेल सकते हैं और लोकल मल्टीप्लेयर की ऑप्शन भी आपको इस गेम के अंदर मिल जाएगी। सो अभी जाइए इसे चेकआउट कीजिए, बहुत ही मजे की गेम है। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, हॉर्स राइडिंग राइवल मल्टीप्लेयर। जी हाँ गाइज, जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये हॉर्स राइडिंग गेम है जिसके अंदर गाइज आप 5 प्लेयरों को दौड़ाया जाता है घोड़े के ऊपर से। यहाँ पर आपको घोड़ों के बूस्ट की भी ऑप्शन मिल जाती है जिसके अंदर आपका घोड़ा एक दफ़ा बूस्ट हो जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और गाइज ये वाली गेम भी आप ऑफलाइन मोड के ऊपर खेल सकते हैं। इसका कैंपेन मोड है, बहुत ही मज़े का है, जिसके अंदर आप बारी बारी लेवल्स को क्लियर करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को मल्टीप्लेयर भी इंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, डायनो स्क्वाड मल्टीप्लेयर। जी हाँ गाइज, अगर तो हम बात कर रहे हैं एनिमल वाली गेम्स की तो हम डायनासोर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सदियों पुराने जो हमारे जानवर थे जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, जो कि अभी इस वक्त बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कुछ निशानियाँ थी जिससे इकट्ठा करके हमने इनको शेप भी दी। और गाइज जैसे कि ये वाली गेम के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर डायनासोर वाले रोबोट होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारी मशीनरी लगी होती है जिससे आपको फाइट करनी होती है। टीम बनाकर भी आप इस गेम को खेल सकते हैं और सोलो मोड के ऊपर भी आप खेल सकते हैं। इसके अंदर फ्री फॉर ऑल की ऑप्शन है, बहुत ही मजे की गेम, ऐसे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, रंबल स्टार्स। जी हाँ गाइज, ये भी बहुत ही औसम किस्म की गेम है। गाइज छोटे से यार इसके तो जो मैदान है छोटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन गाइज इस गेम के अंदर जो सिनेरियो रखा गया है ना और जो एबिलिटीज़ दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, वो गाइज आपको मोर एंड मोर इस गेम को प्ले करने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि पर्सनली इस गेम को मैंने खेला भी हुआ है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको लेवल वाइज अनलॉक होते चले जाएंगे और उसके साथ खेलने के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली इसके अंदर फुटबॉल खेलना होता है, बहुत ही आपको मजा आएगा, 1v1 मैच होता है इसके अंदर। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, द वुल्फ। जी हाँ गाइज, ये भी मल्टीप्लेयर वाली गेम है जिसके अंदर आपको वुल्फ के साथ इसको गेम प्ले को खेलना होता है। इसके अंदर भी गाइज आप को मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, मतलब कि आप अपने किसी भी दोस्त को इनवाइट करवाएंगे और उसके साथ इस कमाल की जर्नी को इंजॉय करेंगे, जहां पर आपको एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। आप अपनी मर्जी से जाएंगे जहां पर आपका दिल करे एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ डायनासोर के साथ आप फाइट करें, किसी और एनिमल के साथ फाइट करें। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, शीप स्क्वाड। मैंने गाइज अपनी पिछली गेमों के अंदर भी इस गेम को इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को ये वाली गेम भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो क्योंकि ये भी एनिमल की कैटेगरी में फॉल करती है इसलिए मैंने इसको भी लिस्ट के अंदर डाल दिया। बहुत ही मज़े की गेम है गाइज, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज इसके अंदर भी 1v1 मैच करना होता है आपको, आपको डिफरेंट शीप्स के साथ डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। वहाँ कोई होता है जो कि बॉम्ब फेंकता है, कोई मिज़ाइल फेंकता है, इसी तरह आपको मार कर जीतना होता है। टर्न बेस्ड गेम प्ले होता है इस गेम के अंदर। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, फन रन 3। जी हाँ गाइज, नाम से आपको आइडिया हो गया होगा, इसके अंदर आपको रेस करनी होती है। यहाँ पर से आपको ऑटोमेटिकली आपका जो प्लेयर होगा वो दौड़ता चला जाएगा और आपको एक 4 प्लेयरों के साथ रेस होती है जिसके अंदर आपका भी जानवर आ जाता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट्यूम चेंज हो रही है, आपको आइडिया हो गया होगा। इस गेम के अंदर आपको पावर अप्स भी देखने को मिलती है जो कि रस्ते के अंदर आपको पिकअप करके अपने अपोनेंट पर यूज़ करनी होती है, जो कि इस गेम को और भी ज़्यादा खेलने में थ्रिलिंग बना देता है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जस्ट फॉल LOL। जी हाँ गाइज, ये एक पेंगुइन बेस्ड गेम है जिसके अंदर जस्ट आपको पेंगुइन ही देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जिस पर आप चलते जाएंगे तो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है टूटना शुरू हो जाएगा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्वाइव करना होगा। यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आप पहले वाले से जब आप गिर जाएंगे तो आप सेकंड वाले पर चले जाएंगे, जो लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो इस गेम का विनर होगा, यही इस गेम का गेम प्ले है। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, पेट रेस। जी हाँ गाइज, ये वाली गेम थोड़ी सी पिछली हमारी गेम जो आई थी फन रन 3 उसके साथ थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन यार इसके अंदर जानवर थोड़े से उन्होंने डिफरेंट
ऐड किए हैं और इसके अंदर थोड़े से ग्राफिक्स भी थोड़े से हटकर हैं जो कि थोड़े से एनिमेटेड मुझे लगते हैं। इसके अंदर भी आपने रन करना होता है, आपको रस्से के अंदर पिकअप्स देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने ओपोनेंट पर यूज करेंगे और आपको काफी सारा इस गेम को खेल के मजा आने वाला है। फाइनली यार बढ़ते हैं हमारी वन ऑफ द बेस्ट एंड लास्ट गेम की तरफ जिसका नाम है वाइल्ड हंटर। जी हाँ गाइस, वाइल्ड हंटर मल्टीप्लेयर भी ऑप्शन दे रही है हमें, जिसके अंदर हम बेसिकली तो हमने हंटिंग करनी होती है। इसके अंदर गाइस होता क्या है कि आपको जब मल्टीप्लेयर की ऑप्शन देखने को मिलेगी तो आपके दो प्लेयर होंगे जो कि हंटिंग पर जाएंगे, जहाँ पर जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को किल करेगा जल्दी जल्दी क्विकली टाइम के अंदर वो इस गेम का विनर होगा। इसका मल्टीप्लेयर भी बहुत ही कमाल का मोड है और इस गेम को आप गाइस सिंगल प्लेयर कैंपेन मोड भी खेल सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो गाइस ये थी हमारी आज की टॉप 10 बेस्ट एनिमल मल्टीप्लेयर गेम। मुझे लगता है कि हम पहले ही हैं जिन्होंने एनिमल मल्टीप्लेयर के ऊपर वीडियो बनाई है, इसीलिए गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जिन लोगों को नहीं पता गाइस हम डिफरेंट टॉपिक और नए नए टॉपिक्स बनाते रहते हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचाओ गाइस, ताकि हमारी कम्युनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, सी यू, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।